स्वागत करने आए हैं जो दिन रात एक करके वाहन की सूची बनाने का कार्य कर रहे हैं, राम जी केसरी। जल्दी जल्दी भैया, बस हो गया। सुनील भुजवाल जी से बैठे हैं, सारे की सूचना थी। अब सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपना स्थान है हमारे भाजपा के नगर के, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। सभी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए आप लोग। नंदलाल जी के साथ जो लोग आए हैं सभी का स्वागत है। अमरेश जी हैं, उनके साथ भी टीम आई है, हम उनका भी चाहे उनका स्वागत कर दें। प्रदेश में व्यापारियों का सम्मेलन कर रहे हैं चुनाव से पहले, क्या लगता है? व्यापारी पहले नहीं, समय समय पर करते रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके नेतृत्व में जिस तरह से गुंडागर्दी को समाप्त करने का काम किया उत्तर प्रदेश में गुंडाओं का, माफियाओं का राज समाप्त हुआ है, उनका समूल नाश हुआ है। आज भय मुक्त वातावरण, माफिया मुक्त हमारे पास वातावरण है। इससे हमारे व्यापार को और तेज़ रफ्तार कैसे मिले, इसके लिए भारत सरकार के यशस्वी कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मयोगी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। 8 जनवरी को आगाज कार्यक्रम में मैं सभी व्यापारियों को आमंत्रित कर। पीयूष जैन क्या अरबों की संपत्ति के लिए आज देख रहे छापे में, आज पूरा लगभग 180 करोड़ रुपए मिले हुए हैं, वो व्यापारी थे, इत्र समाजवादी पार्टी का इत्र। तो लोगों का अलग अलग विचार है कि ये उनका इत्र बना दिए, इससे हो गया। आप भी व्यापारी हैं और वो भी व्यापारी है, कैसे देखते हैं, क्या होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो किया है, जो करा है, वो दिख रहा है। और किस तरह से इन लोगों ने लूट खसोट किया था, कभी इन्होंने नहीं सोचा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कभी इन्होंने नहीं सोचा इंडस्ट्री बड़ी बड़ी आए। हमेशा ये गुंडों और माफियाओं को परासे देते रहे, अपराधियों को परासे देते रहे। और जिस तरह से इन लोगों ने 100 करोड़ की सड़क 200 करोड़ में बेचने का काम किया, 500 करोड़ का DPR बना है 1000 करोड़ में, नौकरियों पे जिस तरह से यादव समाज से भी 10-10 लाख रुपए लेते रहे, तो वो सारा पैसा कहीं इकट्ठा है और कोई इनलीगल ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो ज़रूर छापा पड़ा है। कितनी सीटें अंदाजा है कि व्यापारी आपके समर्थन में, कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, जो 2017 का रिकॉर्ड है। एक छोटी सी बाइट में केक की, अगर हम हैप्पी बर्थडे का केक काटते हैं स्लाइस में, सपा बसपा और कांग्रेस है, ये और सिमट करके छोटा होने जा रहा है। दहाई की फिगर ये नहीं क्रॉस कर पाएंगे, हम प्रचंड बहुमत के साथ 350 को पार करें। अखिलेश की भीड़ से डर लगता है, भीड़ है क्या? अखिलेश की भीड़ है, गुंडे मवाली अपराधी उस पर बंदूकें लहरा रहे हैं, डंडे लहरा रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये माखौल है। और जिस तरह से आपने देखा था कि सपा की सरकार बनने का रुझान ही आया था, उनके गुंडे मवालियों ने दलित बस्ती की बस्ती फूंक दी थी, घरों में आग लगा दिया था, ये जनता भूलने वाली नहीं।